तो अगर सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 तो ठीक ठाक स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, पर बात करें बहुत से लोग वेट कर रहे हैं गैलेक्सी M30 का। तो आगे जब वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसका रिक्वेस्ट बस यहाँ पर एक या लाइक जरूर कर देना, ऐसा बिना भूले। आपका लाइक करने से वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। तो खैर अपने मुद्दे पर आने से पहले जल्दी से थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ यहाँ पर। इससे पहले मैंने S Zenfone 6 की आपको वीडियो दी थी, तो खैर यहाँ पर आपका अपडेट ये निकल कर आया है कि जो आपकी इमेजेस लीक हुई थी पूरे इंटरनेट पर, आपकी क्लोन फोन की इमेजेस है, यानी डुप्लीकेट फोन की इमेजेस है। पर खैर यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बात कर ले फोन के लॉन्च का समय तो वैसे ही आपका नज़दीक आ चुका है। उसके अलावा बात करें स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे जैसा कि उस वीडियो मैंने आपको बताया था। तो खैर यहाँ पर अपने मुद्दे पर निकल कर रहते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं गैलेक्सी M30 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे कंक्लूजन की क्या रेडमी रियलमी को इस बार टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो खैर यहाँ पर सबसे पहले बात करें लुक्स की, तो यहाँ पर भी आपको ड्यूडॉप नॉच देखने को मिलेगी, हमको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.38 इंचेस की फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। उसके लिए बात करें सैमसंग गैलेक्सी M20 से थोड़ा सा हल्का और पतला देखने को मिलता है स्मार्टफोन, इन्हें आपका 8.4 mm का और 175 g का। बात कर लीजिए यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की, तो आपको 3 कैमरास देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ, इन्हें ट्रिपल रियर कैमरास हैं। पहला कैमरा देखने को मिलता है 13 MP का F1.9 अपर्चर के साथ। उसके अलावा दूसरा वाला कैमरा देखने को मिलता है 5 MP का F2.2 अपर्चर के साथ, जो आपका डेप्थ सेंसर है। उसके अलावा बात करें आपको तीसरे कैमरे की, तो वो भी आपको 5 MP का देखने को मिलता है F2.2 अपर्चर के साथ, और वो आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M20 और M10 की तरह ही। और उसके अलावा बात करें फ्रंट कैमरा की, तो आपको डबल देखने को मिलता है M20 से। इस बार आपको 16 MP कैमरा देखने को मिलेगा F2.0 अपर्चर के साथ। उसके अलावा बात की जाए USB-C Type देखने को मिलता है फ़ोन के अंदर, फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो 5000 mAh की ही देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर का बैटरी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है, सारी चीज़ यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ तो देखने को मिलती हैं 4G वोल्टी ब्लूटूथ डुअल बैंड वाईफाई FM रेडियो वगैरह, और साथ में आपको फिजिकल वाला फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलेगा बैक साइड में। यानी अगर बात की जाए लुक्स की, तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी M20 वाले। पर आपकी एक बुरी खबर यहाँ पर निकल कर आई है कि लुक्स के साथ साथ आपको इंटरनल हार्डवेयर भी आपको सेम ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी खबर निकल कर आई है कि 7904 ही देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M30 के अंदर भी। यानी यहाँ पर जो थोड़ी सी सैमसंग से उम्मीद थी कि अपनी 5000 mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग, ट्रिपल कैमराज वगैरह के साथ Redmi Note 7 सीरीज या फिर Realme के आपके स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी खैर यहाँ पर उम्मीद तो पूरी है कि काश कोई आपका अपडेट निकल कर आ जाए, थोड़े से बेहतरीन प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाए इस बार सैमसंग की तरफ से। बाकी प्राइसिंग तो आपको बताइए 15,000 के आसपास रहने वाली है। उसके लिए उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर देना ऐसा बिना भूले। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, बस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो जाएगी। उसके लिए कोई क्वेश्चन तो नीचे पूछ सकते हो, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। मिलता है उस वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।